सकती है। अब मैं वर्तमान बाजार मूल्य से प्राप्त होने वाले प्रति सिलेंडर से 47 रुपए कम है। आपूर्ति के उपस्थित समादेशक महोदय, हम अब की शौर्य वो वीरता को देखते हुए भारत सरकार द्वारा उन्हें बाद में कृषि विजय बताते हुए गर्व महसूस हो रहा है। एक तो तीसरी वाहिनी का टेबल है, हिंदुस्तान प्रतिदिन के द्वारा पहली खेप में 305 वह श्री राजीव यादव कमांडर 130 बटालियन से आग्रह करता हूँ कि महोदय अवसर पर आप सभी को अवगत कराना चाहता हूँ कि शहीद राजेंद्र कुमार नैन गैस वन थर्टी बटालियन जो हमारा अवंतीपुरा में स्थित है, यहाँ पे गैस एजेंसी हमने शुरुआत की है। और जैसा आप जानते हैं कि जो सीआरपीएफ का डिप्लॉयमेंट है वो दूर दराज के एरियाज़ में है। हमारी कंपनीज जो हैं वो लोकेटेड हैं ख़ास तौर पे वैसे इलाकों में जहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि उनको जो ख़ास तौर पे गैस सिलेंडर्स हैं जिससे कि उनकी रोज़ी रोज़ का खाना उनको मिले, क्योंकि ड्यूटी काफ़ी कड़ी होती है और कंडीशंस भी काफ़ी एडवर्स हैं। अभी सर्दियों का मौसम है तो ऐसे में एक स्टेडी सप्लाई ऑफ गैस सिलेंडर्स रहे, इसके लिए ये गैस एजेंसी को शुरू किया गया है HPCL के साथ मिलके। और फिलहाल आज हमने एक कंपनी को गैस सिलेंडर्स अलॉट कर दिए हैं। दिस विल बी एक्सपेंडेड टू द अदर बटालियन ऑल्सो ऑफ द साउथ कश्मीर ऑप्स रेंज एंड मे बी टू द अदर पार्ट्स ऑफ द वैली ऑल्सो, क्योंकि इसमें हमें इंश्योर होता है कि एक ट्रांसपेरेंट प्रोसीजर के तहत क्वालिटी इज़ एश्योर्ड एंड द सप्लाई टाइम लाइन्स आर एश्योर्ड। तो हर तरह से ये हमारे लिए एक विन विन सिचुएशन है और जवानों के कल्याण के लिए, वेलफेयर के लिए एक बहुत अच्छी पहल है। इस गैस एजेंसी का नाम हमने एक अपने शहीद राजीव नैन के नाम पे दिया है, उनकी स्मृति में उनको एक श्रद्धांजलि दी है हमने। जैसा आप जानते हैं कल वो पुलवामा की भी एनिवर्सरी थी, पुलवामा वाला जो अटैक था, और आज हमने इस तरह के अपने जवानों को ही इसको समर्पित किया है। तो इसके लिए मैं जितने भी लोग हैं HPCL के, हमारे अपने CRPF के जो CEO साहब हैं, DI साहब, सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ।